हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स लर्न हाउ टू मेक परफेक्ट विदाउट स्टेन पेस्ट फॉर प्रैक्टिस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेना मेहंदी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और न्यू वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेना पेस्ट विदाउट स्टेन बनाने के लिए, फॉर प्रैक्टिस बनाने के लिए हमें चाहिए हेना पाउडर, पानी और शुगर पाउडर। शुगर को मैंने पीस लिया है ताकि मिक्सिंग के लिए इजी हो और लम्स क्रिएट ना हो, तो जल्द से जल्द हम कोन बना सकते हैं। और थोड़ा सा ऑयल, जिससे कलर जो एक्चुअली हेना का है वो भी थोड़ा और कम हो जाए, और थोड़े से शाइन के लिए हम थोड़े एक दो ड्रॉप ऑयल के भी यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेना पाउडर के अंदर। पहले हम थोड़ा सा शुगर पाउडर ऐड करते हैं। शुगर पाउडर हमें उतना यूज़ करना है जितना आपने पाउडर लिया है, अपने अंदाज से। थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, नहीं तो ये मेहंदी ज़्यादा स्टिकी हो जाएगी। हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसका प्रोपोर्शन आपको थोड़ा अंदाजे से ही मिक्स करना है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस के लिए ही चाहिए, तो इसे परफेक्ट अंदाज़ा, परफेक्ट मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। पर इतना है कि ज़्यादा ना डालें, 1:4 का प्रोपोर्शन है वही यूज़ किए। फिर इसमें धीरे धीरे आप पानी ऐड कीजिए। हमें एक साथ पूरा पानी ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे पानी ऐड करना है, नहीं तो ओवर पानी हो जाएगा और मेहंदी ज़्यादा गीली हो जाएगी। इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर देंगे, कितना मोर देन इनफ है। आप देख रहे हो इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे थोड़ी देर मैश करके भी यूज़ कर सकते हो मेहंदी। फिर हमें सारी मेहंदी एक साथ इकट्ठा करके सेंटर में जमा करनी, साइड में हमें किसी भी तरीके की मेहंदी नहीं रखनी है। इस तरीके से साइड से जितनी भी मेहंदी है आपको क्लीन करके सेंटर में इकट्ठा करनी है। फिर इसे पॉलीथीन से, किसी भी टाइप की पॉलीथीन से इसे इस तरीके से कवर करना। और इसे रेस्ट करना है 1 या 2 घंटे के लिए। होल नाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है और हमें कोई स्टेन का कोई टेंशन नहीं है। हमें फॉर प्रैक्टिस ही कौन बनाना है, तो हमें इसे 1 या 2 घंटे के लिए भी रेस्ट करने दें तो ये रेडी टू यूज़ हो जाएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, मेहंदी को इस तरीके से साइड से अनक्लीन करके रख देते हैं और उसे ढक के रखते हैं। तो मैं आपको ये बताने के लिए रखा है कि इससे क्या होता है, ये साइड की मेहंदी ये सूखी होती है, और आप जब ये मेहंदी यूज़ करते हो तो ये मेहंदी ड्राई होकर इसमें गिर जाती है और इसे लम्स क्रिएट होते हैं। आप देख रहे हो ये पूरी मेहंदी सूख गई है। अगर हम इसमें साथ में मिक्स करते हैं, और ऊपर की लेयर भी थोड़ी हार्ड होती है, आप देख सकते हो अंदर की वेट है और बाहर की ऑलमोस्ट ड्राई होने पे हैं।
ये मिक्स होने से क्या होता है कि लम्स क्रिएट हो गए और कोन स्मूथ नहीं चले, तो आप ऐसी गलती ना करें। इसे पूरा क्लीन करके जिस तरीके से मैंने बताया और इस पर पॉलीथीन लगा दी, तो इससे आपको और भी स्मूथ कोन बन के मिल जाएगा। इस तरीके से गलती ना करें, साइड में मेहंदी इस तरीके से ना रखें। इसे पूरी एक जगह इकट्ठा करके फिर पॉलीथीन लगाइए, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया, कैसे साइड से क्लीन करके और एक पॉलीथीन उस पर कवर कर दीजिए। इस तरीके से ना रखें, ये सही तरीका नहीं है। इससे आपका पेस्ट तो बन जाएगा पर वो स्मूथ नहीं बनेगा और मेहंदी का कोन बनाने पर आपको परेशानी होगी और लम्स अगर कोन में आ गए तो वो कोन अटक के चलेगा, तो आपको वैसे भी प्रैक्टिस में परेशानी होगी। तो आप इस तरीके को फॉलो कीजिए, इस तरीके को नहीं। 1 आवर के बाद अगर हम इसे देखते हैं तो ये मेहंदी रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी है कोन बनाने के लिए। इस तरीके से आप पॉलीथीन को क्लीन कर लीजिए। आप देख सकते हो 1 घंटे में ही रेडी है इस्तेमाल के लिए। ये बिल्कुल भी सूखी नहीं है, ना साइड्स है ना सेंटर्स है, तो इसमें लम्स आने की कोई चांसेस ही नहीं है। तो ये था वीडियो फॉर प्रैक्टिस हेना पेस्ट। आपको कैसे लगा आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।